सिंड्रेला, बस मैं आ गई। ये बहुत बुरा है, ये हमारे जैसा तो बिल्कुल नहीं है, हम इससे ज्यादा खूबसूरत हैं। और मैं इतनी मोटी नहीं। शांत हो जाओ लड़कियों, ये तो सिर्फ बाहरी बनावट है, मुझे इसमें अभी रंग भरना है और बारीकी से देखना है। हाँ? नाश्ता लेकर आ गई, क्या आपका काम खत्म हुआ? हाँ, लेकिन तुमने हमें बहुत निराश किया है, तुम इसे कहाँ से ढूंढ कर लाई हो? मैं इन्हें पिछले हफ्ते गाँव में मिली थी, इन्होंने बहुत अच्छे चित्र बनाए थे, मुझे लगा ये सही होंगे। तुम पूरी तरह से गलत थी, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। और तुम निकलो यहाँ से। क्या? हम दूसरे पेंटर को बुला लेंगे, जो अच्छा कलाकार हो, जो इनकी खूबसूरती को अच्छे से दिखा सके। एक बार हमें अच्छा पेंटर मिल जाए, फिर मैं अपनी तस्वीर राजकुमार को दिखाऊंगी, उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। तुमने सही कहा कैथरीन, चलो ये उम्मीद करते हैं कि किसी दूसरी लड़की की वजह से तुम्हारा ये मौका हाथ से न चला जाए। जरा रुकिए, मत जाइए। उन्होंने मुझे अभी अभी तो निकाला है। मुझे माफ कर दीजिए, जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माफी मांगने की जरूरत नहीं, उनको देखते ही पता चल गया कि वो अच्छे नहीं हैं। ओ नहीं, मैं सपना तो नहीं दिख रहा, ये जोरे की पेंटिंग तो नहीं? आप इन्हें जानते हैं? हाँ जानता हूँ, इतने बड़े महान कलाकार को कौन नहीं जानता। अरे वाह, क्या शानदार तस्वीर है, मैंने अपने बचपन में ऐसी एक तस्वीर देखी थी जिसके बाद मैं खुद पेंटर बन गया, इनकी पेंटिंग मेरे लिए प्रेरणा है। ये मेरी माँ के सबसे पसंदीदा चित्रकार थे। हाँ हो भी क्यों ना, इतनी खास तस्वीर मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे हमेशा से जोरे से मिलना था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे? मैंने सुना है कि वो एक पुराने महल में अकेले रहते हैं, वो महल एकदम चोटी पे है और आसपास कोहरा रहता है हमेशा, वो एमरल्ड महल के उत्तर दिशा में झरने के पास है। एमरल्ड महल के उत्तर दिशा में? एक तस्वीर, यही एक तरीका है चार्ल्स को समझाने का कि वो होने वाला महाराज है और उसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, पर बदकिस्मती से कलाकार ने मेरी तस्वीर बना दी है और मैं किसी और कलाकार को नहीं जानता जो अच्छा भी हो। ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज, मैं एक बहुत अच्छे कलाकार को जानता हूँ, लेकिन वो बहुत अलग है, वो अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं। अगर आप चाहें तो मैं राजकुमार चार्ल्स को वहाँ ले जा सकता हूँ, और कहें तो आज ही। मैं जानता था कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, शुक्रिया। ये मेरे लिए काफी गर्व की बात होगी महाराज। आपने बुलाया पिताजी? चाल सही वक्त पे आए हो, तुम अभी ड्यूक जराल के साथ जाओ, वो तुम्हें एक कलाकार के पास ले जाएंगे जो तुम्हारी तस्वीर बनाएगा। पिताजी लेकिन ऐसा क्यों? राजकुमार चार्ल्स, जाने में बहुत वक्त लग जाएगा, हमें निकलना होगा, ये उसकी चाल हो सकती है, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। मुझे भी उसके इरादे सही नहीं लग रहे, लेकिन मैं पिताजी को मना नहीं कर सकता, हमें उसके जाल से बचने का कोई रास्ता देखना होगा। जोरे, बेशक आप इस सदी के सबसे महान कलाकार हैं। तुम मेरी शक्तियों के बारे में जानते होगे। इसलिए तो मैं यहां हूं। तो तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी कला इतने कम दाम में बेचूं? बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूं कि जोरे की असली कीमत क्या है। मेरा यही इंतजार करो। ये अजीब है, वो घर में नहीं है। यहाँ पर कोई है, मैं सूंघ सकता हूँ। इन तस्वीरों को देखो, कितनी प्यारी है, ये सब जोरे ने बनाई है। मुझे कला के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर ये चित्र मेरे रोंगटे खड़े कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? कौन हो तुम? ओह माफ कीजिएगा, मुझे मिस्टर जोरे से मिलना है। पर किस लिए? जोरे बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास खेलने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हाँ
तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं, इसलिए मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए, आप मुझे जाने के लिए मत कहिए, मुझे एक चित्र बनवाना है। क्या तुम्हारे पास 100 सोने के सिक्के हैं? 100 सोने के सिक्के नहीं हैं तो चली जाओ यहाँ से। नहीं रुकिए, मेरे घर में आपकी एक पुरानी पेंटिंग है जो कि मेरी माँ की पसंदीदा है और वो हमेशा से मेरे पास है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरी बहनों की तस्वीरें बनाएंगे? लेकिन मैं 100 सोने के सिक्के नहीं दे सकती, परेशानी के लिए माफ करिए, मुझे अब जाना चाहिए। रुको, मैं तुम्हें रोशनी में देखना चाहता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, मैंने इतना सुंदर चेहरा आज तक नहीं देखा। बताओ मुझे, तुम्हारा नाम क्या है प्यारी लड़की? मेरा नाम सिंड्रेला है मिस्टर सोरे। ओ सिंड्रेला, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। आप मेरी तस्वीर बनाएंगे? आप गलत समझ रहे हैं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है पैच? जोरे मेरी तस्वीर बना रहे हैं। शांत रहो। माफ कीजिए। हिलो मत। ओह, मैं भूल गई। तुम ठीक तो हो ना सिंड्रेला? ओह हाँ पैच, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है। अचानक से ये क्या हो रहा है? मैं बहुत थकी थकी महसूस कर रही हूँ, मुझे सोना है। सिंड्रेला, क्या हुआ सिंड्रेला? उठो उठो सिंड्रेला। उसे यहाँ वापस लाओ, तस्वीर अब तक पूरी नहीं हुई है, वापस लाओ। बस हो ही गया, तुम उसे इस तरह नहीं ले जा सकते, वापस लाओ। सिंड्रेला को क्या हुआ? वापस लेकर आओ उस लड़की को। क्या आप हमें और इंतजार कराना चाहते हैं? ऐसा है तो पैसा वापस करना होगा। मैं तैयार हूँ। क्या तुम हमें बताओगे क्या चल रहा है? काश मैं बता पाता, पर मुझे ही नहीं पता। जब वो इसकी तस्वीर बना रहे थे तो ये सो गई। ये बहुत अजीब है, हमें किसी की मदद लेनी होगी। ओ, देखो कौन आया। मिस पोलेट। हाँ? बेचारी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मिस पोलेट, क्या आप हैं? मुझे क्या हो गया है? ओह जरा रुकिए, जोरे मेरी तस्वीर बना रहे थे और मुझे नींद आ गई। जोरे? तुम्हारा मतलब वो मशहूर पेंटर जोरे सिंड्रेला? हाँ। तो वो अब पुराने तरीके अपना रहे हैं, हमें तुम्हारी तस्वीर उस महल से बाहर निकालनी होगी। चलो। मैं सोच रहा हूँ जराइल मुझे यहाँ क्यों लाया, ये चाहता क्या है मुझसे, और इस बूढ़े आदमी का यहाँ क्या काम है? जराइल, तुम चार्ल्स को भटका रहे हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जैसा आप चाहें सोरे। हिलो मत। कितना अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी सारी ताकत जा रही है। बहुत साल पहले की बात है, जोरे यहाँ काला जादू सिखाने आया था। अब जोरे जिसकी भी तस्वीर बनाता है उसकी आत्मा उस तस्वीर में कैद कर लेता है, इसके बदले वो बहुत बड़ी कीमत वसूल करता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है सिंड्रेला, हमें सावधान रहना होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ के पास जो पेंटिंग थी वो बहुत सुंदर है, आशा से भरी हुई। मुझे मालूम है, एक वक्त जोरे बहुत मशहूर पेंटर था, एक महान कलाकार, जब तक वो बुरा दिन नहीं आया था। बहुत बुरा दिन। अब तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी वापस आती हूँ। वहाँ खतरा होगा। मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा।
तुम कहाँ हो जोरे? मुझे जवाब दो। जोरे अभी काफी व्यस्त हैं। वो किसी की तस्वीर बना रहे हैं। क्या आप भटक गई हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं इन्हें जानती हूँ। इनका नाम क्या था? हाँ, ड्यूक ज़रेल। ये यहाँ इस महल में क्या कर रहे हैं? दरअसल मैं यहाँ अपने पुराने दोस्त से मिलने आई हूँ। मैं यहीं पास में रहती हूँ, तो सोचा उनसे मुलाकात कर लूँ। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। मैं उन्हें अभी बताता हूँ। पास में रहती हो? हाँ। ओह, पुरानी यादें। मैं तो भूल ही गई थी कितने काबिल थे वो लोगों की कितनी सुंदर तस्वीर बनाते थे। मोहतरमा, कहाँ जा रही हो? रुको। वो तो राजकुमार चार्ल्स हैं। रुको, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। तुम यहाँ रहोगी तो मेरा काम होता रहेगा। आराम करो। इसका क्या मतलब है? कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? कोई मेरी मदद करो। ओह, इसका मतलब सिर्फ सिंड्रेला मुसीबत में नहीं है, राजकुमार चार्ल्स भी मुसीबत में है। काश मैं अपनी जादुई छड़ी ला पाती। पैच, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये पॉलेट है। मिस पॉलेट मुझे बुला रही है। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, वो मुसीबत में है। पैच, ध्यान से, उसकी मदद करनी होगी। बस हो गया। अब राजकुमार हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे उनकी आखिरी तस्वीर में। ये तो जितना सोचा उससे भी आसान था। पैच, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? हे, ये खेल खेलने का सही वक्त नहीं है। ये तो राजकुमार चार्ल्स है। ओह, जोरे जब भी किसी की तस्वीर बनाता है उसकी आत्मा को कैद कर लेता है। ये तो बहुत भयानक है। मेरी तस्वीर तो पूरी हो गई है। कौन हो तुम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? ओह, मिस्टर जोरे। सिंड्रेला। देखिए, पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप मुझे माफ कीजिए। क्या आप मेरी तस्वीर पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल। तुम बाहर इंतजार करो, मैं अभी आया। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आपको अभी मेरी तस्वीर बनानी पड़ेगी। क्या मतलब है इसका? हटो यहाँ से। जोरे अभी अपने काम में व्यस्त है। जाने दो। ज़ेराल, ये क्या बेहुदा हरकत है? मैं ये तय करूंगा कि मुझे किसकी तस्वीर बनानी है। नहीं, इस बार नहीं। मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं राजकुमार चार्ल्स की तस्वीर बनाने के लिए। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं इसे अंदर आने दूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो जोरे? मुझे कोई आदेश नहीं दे सकता, चाहे कितने भी पैसे दे वो। तुम बैठ जाओ बच्ची, पहले तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। शुक्रिया। कितने जिद्दी हो तुम। कोई मेरी मदद करो। हम आ गए पॉलेट। पैच, शुक्र है कि तुम आ गए। पॉलेट, पैच, जल्दी करो। पैच, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें राजकुमार चार्ल्स और सिंड्रेला की तस्वीर को पानी से धोना होगा। यही एक तरीका है जिससे हम उन्हें बचा सकते हैं। उसके बाद मेरी जादुई छड़ी ढूंढो। जल्दी करो पैच, जल्दी। उस तस्वीर को धोना होगा। जादुई छड़ी हमारे पास है। तुम लोग पॉलेट की मदद करो, मैं बाकी संभाल लूंगा। बस यही रह गया था। सिंड्रेला, उठ जाओ। इस कुत्ते को हटाओ ज़ेराल। ए, रुको, ये कर क्या रहा है? वापस आओ इधर, वो मेरा चित्र है। ए, वापस आओ इधर, कहाँ जा रहे हो? मेरी जादुई शक्तियों की वजह से तुम्हारी खूबसूरती हमेशा इस तस्वीर में कैद रहेगी। रुक जाओ, बहुत हुआ। आ, 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 आ,
क्या हुआ? हाँ, सिंड्रेला, क्या तुम ठीक हो? सिंड्रेला, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जवाब दो, मैं चार्ल्स हूँ। अब सिंड्रेला इस तस्वीर में कैद हो जाएगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या कहना चाहते हो तुम? जैसे ही मैं उसकी दूसरी आंख बनाऊंगा तुम्हें पता चल जाएगा। आपकी छड़ी बोले हम दरवाजे के नीचे से फेंक देंगे। चू चू बिंगो, शुक्रिया। मैं तुम्हें तुम्हारी काली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा सिंड्रेला पर। तुम कुछ नहीं कर सकते चार्ल्स, पर मैं तुम्हें ये लड़ाई जीतने दूंगा और इस तरह मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अब किसका इंतजार कर रहे हो? चलो हमला करो मुझ पर। वापस आओ, मुझे तस्वीर वापस करो। हार मान जाओ जोरे, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हें ये तस्वीर नहीं दूंगा। यही मौका है। पैच, चार्ल्स कहाँ है? क्या वो ठीक है? ऐसी तस्वीर को मैं कितने सालों से बनाना चाह रहा था। सिंड्रेला ठीक है राजकुमार, बेहतर होगा कि वो तुम दोनों को ना देखे। ये सही कह रही है चार्ल्स, जल्दी करो। चलो चलें। मिस पॉलेट, क्या आप ठीक हैं? राजकुमार कैसे हैं? सब कुछ ठीक है, चार्ल्स महल में वापस चले गए। ओह, मुझे खुशी हुई। पुराने दिनों में जोरे सबसे अच्छे कलाकार थे। वो कई शाही परिवारों की तस्वीर बनाते थे। सबको उनकी कला बहुत पसंद थी। सब उनसे अपनी तस्वीर बनवाना चाहते थे। फिर इस राज्य में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। कई लोग मारे गए जिसमें ज्यादातर शाही परिवार के लोग थे। फिर ऐसी अफवाह फैली कि जोरे अपनी तस्वीर में लोगों की आत्मा को कैद कर लेते हैं। फिर उन्हें वहाँ से भगा दिया गया और वो इस महल में रहने आ गए। आखिर में वो खुद इस अफवाह पर विश्वास करने लगे। और फिर उन्होंने अपनी तस्वीरों में सचमुच लोगों की आत्माओं को कैद करना शुरू कर दिया। उन्होंने काला जादू सीखा। सभी उनसे नाराज हो गए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्हें देश निकाला दिया गया। उन्होंने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की। उन्हें बहुत बुरा लगा कि उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए और उसके बाद उन्होंने सचमुच वही काम किया। बेचारा जोरे, ये सब सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से हुआ। मिस्टर सोरे, मैं समझ सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया, और मैं जानती हूँ कि ऐसी कला सिर्फ एक अच्छे इंसान के पास ही हो सकती है। क्या आप मेरी एक और तस्वीर बना सकते हैं मिस्टर जोरे? लेकिन मैंने तो तुम्हारी आत्मा को कैद करने की कोशिश की, फिर भी तुम ये चाहती हो। हाँ, मैं बचपन से ही चाहती थी कि आप मेरी तस्वीर बनाएं। मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती। फिक्र मत करो, मैंने जो बारिश भेजी थी उसके पानी ने तुम्हारी काली शक्तियों को धो दिया है। अब तुम अपनी कलाकारी आराम से दिखा सकते हो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया जिंदगी लौटाने के लिए।